हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा इंडियन जो फिल्में हैं, इन फिल्मों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बात करूंगा। टॉपिक थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन इस पे बात करना तो बनता है क्योंकि ये आखिर बॉलीवुड से जुड़ा हुआ ही चीज है। तो आखिर फिल्म किस तरह से सिनेमाघरों तक पहुंचती है, ये सर्कल आपको बता देता हूँ, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल होता है वो आपको बताऊंगा। साथ ही ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, उसके बाद जो दो और चीजें हैं वो और बात करूंगा, यानी कि फिल्म मेकर और जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके बाद एग्जीबिटर आता है, ये सबका रोल क्या है। तो पहले तो फिल्म बनती है, और जब फिल्म बन जाती है तो उसे स्क्रीनिंग कितने मिलती है ये उस फिल्म के पॉपुलैरिटी पे भी मैटर करता है, उसके बस के ऊपर भी, और जितना प्रोड्यूसर्स शायद खर्चा करना चाहते हैं उस फिल्म को लेकर। और सीधी सी बात है, एक और चीज़ होता है कि एग्जीबिटर्स भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जो मूवीज दिखाते हैं सिनेमाघरों में वो एग्जीबिटर्स होते हैं। तो इन एग्जीबिटर्स और फिल्म मेकर के बीच का जो बंदा है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म होती है वो फिल्म मेकर से खरीदता है, कई के केसेस में खरीद लेता है, हाफ भी खरीद सकता है, फुल भी खरीद सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मान के चलिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया का जो हमने देखा था ऑलरेडी, बजट था 45 करोड़ के लगभग, आप मान लीजिए 45 करोड़। तो बद्रीनाथ की दुल्हनिया का बजट 45 करोड़ था, तो मेकर्स यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, या तो ये फिल्म जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को या तो इतना कर सकते हैं कि उन्हें कहेंगे कि आप 50% हम इसका जो भी है पैसे आप वापस कर दो फिल्म बनने की लागत का, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपका आधा, आप आधा मेरा, या 30-40, 40-60, जिस तरह से परसेंटेज में बांट सकते हैं उस तरह में बांटा जाता है। या तो कभी कभी ये भी होता है, 45 करोड़ बजट है तो मेकर कहता है कि यार मेरे को ये काम कर, तो 70 या 80 करोड़ दे दे, फिल्म का जो भी प्रॉफिट आएगा 13 होगा जितना भी फिल्म चलेगी। तो इस तरह का भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वो देखता है कि यार ये फिल्म का कितना मतलब अर्निंग हो सकती है, क्योंकि फिल्म उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग सर्किट्स में डिवाइड करता है, अलग अलग सर्किट्स। जैसे कि ऐसे नहीं कहते दिल्ली की अर्निंग ज़्यादा हुई, मुंबई की अर्निंग ज़्यादा हुई, ऐसा नहीं होता, सर्किट डिवाइड होता है। जैसे कि नॉर्दर्न सर्किट हुआ, तो नॉर्दर्न सर्किट्स में कुछ ना कुछ स्टेट्स आ जाते हैं, आई थिंक हरियाणा, उत्तराखंड, इस तरह के स्टेट आ, दिल्ली एक सर्किट हो जाता है, मुंबई का एक नाम से ही अलग सर्किट है, महाराष्ट्र सर्किट नहीं बोलेंगे, मुंबई का ही सर्किट है जो महाराष्ट्र आई थिंक एरिया कैप्चर करता है, तो साउथ का सर्किट होता है। तो इस तरह से सर्किट्स में डिवाइड होता है, और उसके बाद यूएई जीसी सर्किट, आउटर कंट्री के सर्किट्स, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन वाले बंदे से जो भी बात करके, नॉर्थ अमेरिका का सर्किट। तो इस तरह से सर्किट्स में डिवाइड होता है फिल्म जो, उसके बाद वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है जो, और जो कलेक्शंस के भी आंकड़े कैलकुलेट होते हैं वो अलग अलग सर्किट से कितने हैं उस तरह से कैलकुलेट होते हैं। इसलिए ऐसे नहीं कि दिल्ली में कितना हुआ, पंजाब में कितना हुआ, एक एक सर्किट्स का एक नाम दिया गया है, ये नॉर्दर्न सर्किट, ये ईस्टर्न सर्किट। तो इस तरह से इंडिया में आई थिंक 5 से 6 सर्किट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो इस तरह की चीज़ें होती है और डिस्ट्रीब्यूटर अहम रोल प्ले करता है। होप आप समझ गए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मतलब होता है उसके बारे में। हाल फिलहाल के लिए मुझे इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता था, और ये वीडियो मुझे बनाने के लिए कहा था इंडियन म्यूजिक ने, जो कई सारे कमेंट्स पहले भी कर चुके थे, जो मुझे कहते यार आप नहीं जवाब देते, आप नहीं बनाते, इससे अच्छा है कि आपको मैं चैनल ही ना देखूं, आपको चैनल अगर आपने नहीं बनाया वीडियो तो मैं अनसब्सक्राइब भी कर दूंगा इसके बाद। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आपने कही भाई, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं अगर मैंने आपके चीज़ों का रिप्लाई नहीं किया। तो आप अब वीडियो बना दिया आपके लिए, आपको जो भी करना होगा आप कर सकते हैं। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि आपको सब्सक्राइब करें अनसब्सक्राइब करें, वो मेरा मसला नहीं था। मसला ये था कि आपको अगर कोई बात बुरी लगी थी, आपने बहुत बड़ा कमेंट किया था, इसलिए मैं चाहता था कि आपकी जो फीलिंग्स है उसकी इज्जत करूं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं मेरी फैमिली की तरह है, तो मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करूं, उनके मैसेज पढ़ूं, और अगर अच्छी चीज़ है तो उसे ज़रूर आप तक वापस से पहुँचाओ। तो कुछ और इंपॉर्टेंट खबर पर चले तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और इस वीडियो से आप कितने खुश हैं, आपको क्या पता चला है उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे समझा भी सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।